हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीतांजलि वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ट्रेडिशनल डीआईवाई। इन सारे डीआईवाई में मैंने वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ किया है और फेस्टिवल में अपने घर को सजाने का ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये कुछ लस्सी ग्लास। सबसे पहले हम इनमें होल कर लेंगे। होल करने के बाद हम पूरी ग्लास में पहले वाइट कलर करेंगे। वाइट कलर पहले इसलिए करेंगे क्योंकि वाइट कलर के ऊपर जब हम दूसरे कलर्स करेंगे तो उनमें चमक रहेगी। इसके बाद मैंने लिया है ये क्ले और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इनसे मैं बनाऊँगी तीन प्यारी सी मछलियाँ। अगर आपको मछलियाँ नहीं बनानी तो आप अपनी पसंद का कुछ और भी बना सकती हैं। इसे हैंग करने के लिए इसमें मैं ब्रश की हेल्प से होल कर दूंगी और तीनों को ड्राई होने के लिए रख दूंगी। और जब तक हमारी मछलियाँ ड्राई होंगी तब तक हम इन लस्सी ग्लासेस को कलर करेंगे। इन ग्लासों में जो भी डिज़ाइन बना है मैं उसी डिज़ाइन के हिसाब से कलर करती जाऊंगी। हमारा कलर हो चुका है और बाकी के ग्लास भी हम अपने मनपसंद कलर्स से कलर कर लेंगे। हमारी मछलियाँ भी ड्राई हो चुकी हैं और इन्हें भी अब हम कलर कर लेंगे। इन्हें और डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ मिरर्स और बीड्स का यूज करूँगी जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्लासेस को हैंग करने के लिए मैं ऊन का यूज कर रही हूँ। इस तरह से हम फिश को ग्लास के साथ अटैच करेंगे और ऊपर से बीड्स का यूज़ करेंगे। तो रेडी है हमारा ये बहुत सुंदर सा पहला डीआईवाई। अब बारी है इसे हैंग करने की। सेकेंड DIY के लिए भी मैं लस्सी ग्लास का ही यूज करूँगी और इसमें भी पहले हम वाइट कलर करेंगे और उसके बाद रेड कलर। अब इसमें मैं एक साइड से वाइट कलर से एक डिज़ाइन पेंटिंग करूँगी और इस पूरी ग्लास में डिज़ाइन करने के लिए मैं सिर्फ वाइट कलर का ही यूज करने वाली हूँ। अब इसमें मैं करने वाली हूँ वर्ली पेंटिंग जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बनाने में बहुत इजी होती है।
ग्लासेस हमारे रेडी हो चुके हैं और मेरे पास ये आर्टिफिशियल फूलों की दो लड़ियां हैं, तो इन्हीं के साथ ग्लासों को मैं अटैच कर दूंगी। और रेडी है हमारा सेकेंड DIY भी, चलिए इसे हैंग करते हैं। लास्ट DIY के लिए मैं अपनी एक पुरानी कुर्ती का यूज करूंगी। कुर्ती के नीचे साइड में ये जो डिज़ाइन है, इसमें थ्रेड और प्लास्टिक मिरर्स का यूज किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और अब मैं इसी को कट करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही कार्डबोर्ड को इस शेप में कट कर लिया है और इसे कपड़े के ऊपर रख कर मैं इसी शेप में कपड़ा कट कर लूँगी और उसके बाद इसी कार्डबोर्ड में इस कपड़े को पेस्ट कर दूँगी। कार्डबोर्ड के साथ डेकोरेट कुल्हड़ को अटैच करने के लिए मैं एक टैसल और कुछ बीट्स का यूज करूंगी और हैंग करने के लिए जूट रोप का यूज करूंगी। आज के तीनों DIY फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छे हैं और बनाने में भी बहुत इजी हैं, तो इन्हें ज़रूर बनाएं और अपने घर को दें एक ट्रेडिशनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।